How are you? Good. How are you? तो आप हैं? जी हाँ. फोटोशूट के लिए हैं. Hi, I'm Joy. Hi, I'm Subhan. आपसे बेटर मॉडल तो कोई हो ही नहीं सकता इस अटायर के लिए. Thank you. आपकी मॉडल पार्टनर कहाँ है? बस ये मॉडल भी रेडी है. लीजिए, आ गई आपकी फीमेल मॉडल. आई एम श्योर जितनी खूबसूरत ये तस्वीरों में लग रही होंगी उससे कहीं ज्यादा भी लग रही होंगी आपको. ये वो मॉडल नहीं है जो हमारे क्लाइंट ने अप्रूव की थी कैंपेन के लिए. फोटोज में जो मॉडल थी वो ये नहीं है. नहीं नहीं, एक्चुअली आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है. इन्हीं की पिक्चर्स गई थी और आपने खुद अप्रूव किया है. जी हाँ, अप्रूव तो की थी लेकिन फोटो में तो कोई और ही थी. कौन थे? हाँ, वो जो आ रही है. क्या हुआ सुपान? मेरे चेहरे से नजर नहीं हट रही. कोई कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को? फोटोज इनकी नहीं गई थी, इनकी गई थी मन्नत की. नहीं सुपान साहब, फोटोज तो आपकी और इबादत जी की ही आई थी. और ये हमने इन्वेस्टर्स को बताई है इंटरनेशनली, और उनका जवाब भी आया है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत कपल जोड़ी कभी देखी ही नहीं. इबादत जी की ग्रेस और ब्यूटी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे सर. सर एक बात बताऊं आपको, आप और इबादत जी इस कैंपेन को ना चार चांद लगा देंगे सर आप लोग. और सर देखिएगा, आप दुआ है द डिजाइन उन ऊंचाइयों तक जाएगा जो आप लोगों ने आज तक कभी सोचा ही नहीं. तो ये सब इबादत का किया जा रहा है. ये सब निकाल, क्लाइंट के पास इबादत की फोटोज कैसे पहुंच गई हो? मैंने तुम्हें मेरी और सुभान की फोटोज भेजने के लिए कहा था ना. सो सॉरी, अभी मैंने कुछ नहीं किया. कुछ नहीं किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? इबादत अपनी ने मुझे जबरदस्ती करवाया ये सब, मैंने कुछ नहीं किया. तुम मन्नत और सुभान की नहीं, मेरी और सुभान की फोटोज एडिट करोगी और क्लाइंट्स को भेजोगी. फिर
ऐसे चालबाजी की ना तुमने, अरे सुभान ने मुझे चुन लिया तो तुमसे सहन नहीं हुआ, तुम्हारा दिल जलने लगा, इसलिए तुमने क्लाइंट को मेरी जगह अपनी फोटोज भेजी। अपनी औकात में रहो तुम, बिजनेस का मामला है और इस बिजनेस की मैनेजिंग डायरेक्टर हूं मैं, और हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ भी हूं। और रही बात तुम्हारी जगह लेने की, तो अपने वर्ड्स को जरा करेक्ट करो मन्नत, मैं नहीं तुम मेरी जगह छीनने में लगी हुई हो। एक फोटो में सुभान से अलग क्या कर दिया तुम्हें, इतनी तकलीफ हो रही है ना तुम्हें, तुम तो मुझे सुभान की जिंदगी से अलग करना चाहती हो, सोचो मुझ पे क्या बीत रही होगी। और ये चालबाजिया चालाकिया ये तुम जैसे छोटे और हल्के लोगों का काम है, मैं तो ये सब कभी नहीं करना चाहती थी, तुमने मुझे मजबूर किया है। दुआ हैदर डिजाइंस की मालकिन ही सुभान के साथ दुआ हैदर डिजाइंस का चेहरा बनेगी, तुम बस देखते जाओ। क्या कहते हो बत्रा साहब, हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना? क्या मैडम, हमें तो लगा था कि सुभान साहब के साथ कोई मामूली सी मॉडल होगी, लेकिन हमें तो कंपनी की एमडी मिल गई। एक दफा आप दोनों की फोटोज मार्केट में आ जाने दीजिए, कोई शादी ऐसी नहीं होगी जिसमें दुआ हैदर डिजाइन का वेडिंग कलेक्शन शामिल ना हो। चलिए सर फोटोशूट करते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गए हम। हाँ हाँ बिल्कुल, हम रेडी है। क्या बात है सुभान, किस सोच में पड़ गए? चलो फोटोशूट शुरू करो। हाँ सुभान बेटा, क्या सोच रहे हो? चलो ये फोटोशूट नहीं होगा, मुझे नहीं बनना इस कंपनी का चेहरा। ये क्या कह रहे हैं सुभान साहब, सारे फ्रेंचाइज का सवाल है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म ने कभी किसी के साथ साइन नहीं किया होगा, और आप अगर बैकआउट कर जाएंगे तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे, उन्होंने तो पहले ही आप दोनों को मॉडल करने का प्रस्ताव रखा था। हमने उन्हें मनाया था कि इबादत जी कभी नहीं मानेगी, अब जब इबादत जी मान गई है तो हमारे इन्वेस्टर्स तो अड़ जाएंगे कि आप दोनों ही चाहिए। सर आप प्लीज पीछे मत हटिए अब, वरना हमारी बदनामी होगी ही और दुआ हैदर डिजाइन को करोड़ों का नुकसान होगा।